नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो काफ़ी अच्छी बात है, और अगर आप नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख सकते हैं हम जो है हर रोज़ नए नए तरीके के वीडियोस लेकर अपने चैनल पर आते रहते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो टॉपिक है, एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप लोगों ने स्पेशली YouTube के एड्स में या फिर TV पर बहुत बार देखा होगा ग्रामरली का एड। ये काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है। ये आपको हेल्प कहाँ करेगा मैं आपको ये भी बताऊँगा। ये कैसे हेल्प करेगा, कैसे आपका जो है कम्युनिकेशन, अगर आप कहीं टाइपिंग कर रहे हैं, कोई मैसेज कर रहे हैं, किसी को ईमेल भेज रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर आप ये सब करते हैं और आपकी इंग्लिश जो है थोड़ी सी कमज़ोर है, वीक है, टूटी फूटी है, या आपको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं देती है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। सबसे पहले हम चलेंगे दोस्तों प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद जो है हम यहाँ पर सर्च करेंगे ग्रामरली। ये देखिए ऊपर आ गया है ग्रामरली कीबोर्ड। ये कीबोर्ड को हमें इंस्टॉल करना है। आप देख सकते हैं ग्रामरली INC, और इसको जो है यहाँ से आप देख सकते हैं 10 मिलियन डाउनलोड्स इसको मिल चुके हैं। काफ़ी शानदार ये एप्लीकेशन है, इसकी रेटिंग भी अच्छी है। आप इसके अबाउट में जाके पढ़ सकते हैं ये कब आया, कब लॉन्च हुआ। मैं इसके कुछ फीचर्स दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं राइट विद कॉन्फिडेंस, जैसे ही आप कोई गलती करते हैं तो ये उसको जो है तुरंत ही वहाँ पर सही करके दिखा देता है। ये आप देख सकते हैं आपके जो भी सेंटेंस हैं उनको करेक्ट कर देता है। कोई भी ऐसा ग्रामेटिकल एरर आता है उसको सही करता है। कोई वर्ड है अगर वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कॉमन हो गया है तो उसके सिनोनिम्स भी आपको यहाँ पर दिखाता है, आप उसकी प्लेस पर कोई दूसरा अच्छा वर्ड यूज़ कर सकें। और ये जो है स्वाइप टू टाइप का भी ऑप्शन आपको देता है। तो चलिए दोस्तों एक और आप देखें, यहाँ लिखा हुआ है वर्क्स इन ऑल योर फेवरेट ऐप। ये आपके जितने भी फेवरेट एप्लीकेशंस हैं उन सब में ये जो है वर्क करते हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ ग्रामरली कीबोर्ड क्या है। हम चलेंगे हमारे नोट्स पे। नोट्स पे जाने के बाद मैं आपको बता दूँ, मान लीजिए हमारे पास कोई सर्टेन नोट्स हैं, कुछ लिखा हुआ है, और मान के चलिए उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर है, कोई मिस्टेक है, कोई वर्ड गलत है, कोई स्पेलिंग गलत है, तो ये उस पूरे जो लिखा हुआ रिटर्न इंग्लिश में है उसको भी करेक्ट कर सकता है, और जब आप टाइपिंग करते हैं या मैसेज करते हैं इंग्लिश में उसको भी करेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों मैं ये आपको एक छोटा सा सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें पहले मैं ग्रामरली कीबोर्ड को जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आप देख रहे होंगे जैसे ये मेरा अभी जीबोर्ड खुला हुआ है गूगल का, इसको मैं यहाँ से क्लिक करूँगा। यहाँ अर्थ पर जो आपको दिख रहा है, जो इंग्लिश के पास में अर्थ बना हुआ है लेफ्ट साइड में, इस पर क्लिक करने के बाद मेरे पास ऑप्शंस आ जाएंगे। ये ऑप्शंस आ गए हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा इंग्लिश ग्रामरली, यहाँ से नीचे से जो सेकंड लास्ट है इस पर हम क्लिक कर रहे हैं। ये देखिए ये ग्रामरली कीबोर्ड दोस्तों आ गया है, ये वाइट कलर का आप देख रहे होंगे, ये ग्रामरली का यहाँ सिग्नेचर आ गया है। अब देखिए कर्जर अपने आप पहले नंबर पर चला गया है। अब हम आपको बताते हैं ये किस तरीके से आपकी हेल्प करता है। देखिए सेंटेंस में लिखा हुआ है द न्यू रूल्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेंटर लास्ट वीक टू रेगुलेट ऑल टाइप्स। मान लीजिए मैं इस टाइप्स में से जो है इसको सिंगुलर कर देता हूं और इसका एस यहां से हटा देता हूं। जैसे ही दोस्तों मैं इस एस को हटाऊंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर साइड में एक एरर आ गया है। आप उस एरर पर क्लिक करेंगे, यहाँ लिखा आ जाएगा पास में, आप देख सकते हैं यह आ गया है इट सीम्स दैट टाइप मे नॉट एग्री इन नंबर विद अदर वर्ड्स इन दिस फेस। उसका कहना यह है कि यहाँ ऑल टाइप नहीं आता है, ऑल टाइप्स आता है। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे, तो दोस्तों देखिए ये उसने एरर को सही कर दिया। अभी आप देख सकते हैं और भी आपको नीचे ऐसा लगता है कि कहीं पे जैसे लिखा हुआ है यूज़र ग्रेवियंस एंड इंश्योरिंग कंप्लाइंस विद द लॉ, तो मैं यहाँ लॉ के पहले से जो है दा शब्द को हटा देता हूँ। ये मैंने यहाँ से जाकर दा शब्द को हटा दिया है। अभी मैं कर्सर को वहाँ से हटाता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने कर्सर हटाया तुरंत लिखा आ गया है कि लॉ के पहले जो है आपको एक आर्टिकल लगाना होगा। लॉ जो है, नाउन फेसेस लॉ सीम्स टू बी मिसिंग अ डिटरमाइनमेंट बिफोर इट, तो हमें यहाँ दा का यूज़ करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए वहाँ पर दा आ गया है। तो दोस्तों कितनी अच्छी एप्लीकेशन है, आप देख सकते हैं आपको ग्रामेटिकली जो है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर रही है आपके सेंटेंसेस को। मान लीजिए एक्सप्रेशन की स्पेलिंग गलत है, हम यहाँ से कर देते हैं एक एस को कम। जैसे ही आप एक एस को कम करेंगे देखिए तुरंत लिखा आ गया है कि एक्सप्रेशन की स्पेलिंग ये होती है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे, ये एक्सप्रेशन की स्पेलिंग आ गई है। अभी दोस्तों देखिए साथ में आप देख सकते हैं एक्सप्रेशन के सिनोनिम्स भी इसने बता दिए हैं।
आप जिस भी वर्ड के पास इसको लेके जाएंगे, जो नाउन प्रोनाउन जो भी है उसके पास उसका कोई भी सिनोनिम अगर है तो सिनोनिम को ये इसलिए बता देता है ताकि आपका जो रिटर्न वर्क है उसमें और भी अच्छा लग सके। जैसे आप एक्सप्रेशन किएंगे क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, मैनर, मूड, मैनिफेस्टेशन, एटीट्यूड। मान लीजिए हम चलते हैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन के पास, जैसे आप इंफॉर्मेशन के पास जाएंगे तो ये इंफॉर्मेशन के भी सिनोनिम्स जो है यहाँ पर लाकर बता देगा। देखिए ये आ गए हैं इंफॉर्मेशन के सिनोनिम्स, इसको बहुत ही कम टाइम लगता है। देखिए ये आ गए इन्फॉर्मेशन की जगह पर आप यूज़ कर सकते हैं एविडेंस, डाटा, एडवाइस, नॉलेज, ये सारी चीज़ें जो आ गई हैं। जैसे दोस्तों ये लिखा है राइट टू इन्फॉर्मेशन, अभी मैं यहाँ से टू हटा दूंगा तो ये ग्रामेटिकली मुझे सही करके दिखा देगा। अब दोस्तों मान लीजिए हम नीचे आते हैं, यहाँ पर मान लीजिए आप किसी से चैट कर रहे हैं, आप मेल कर रहे हैं, आप कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं और आप उसमें गलत स्पेलिंग या गलत ग्रामर का यूज़ कर लेते हैं, तो देखिए ये कैसे आपको यहाँ पर ठीक करेगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पर आई वर देयर, मैंने यहाँ लिखा है आई वर देयर, मैं आगे बढ़ गया हूँ और यहाँ से लिखने के बाद जो है हम यहाँ सेंटेंस को जो है ये देखिए, ये जैसे ही कोई गलती होती है यहाँ पर तुरंत ही आने लगती है। और वो किस तरीके से आएगी ये देख सकते हैं, जैसे हमने लिखा हाउ आर यू, अब ये तो सही सेंटेंस है, आप कैसे हैं। मैं यहाँ पर कर देता हूँ हाउ आई एम यू, मैं यहाँ पर कर देता हूँ हाउ आई एम, ये देखिए मैंने कर दिया है। अभी मैं जैसे नीचे आऊँगा ये देखिए एरर आ गया है, नीचे लिखा आ रहा है चेंज वर्ब फ्रॉम, आपको जो वर्ब आपने आई एम इस्तेमाल किया है उसकी जगह आपको आर का इस्तेमाल करना है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये आपको उसका रीज़न भी बताएगा और रीज़न बताने के बाद जो है यहाँ पर हम उसको ये करेक्ट कर दिया है। यहाँ लिखा आ गया है हाउ आर यू, ये करेक्ट सेंटेंस है। हम आगे चलते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं आई आर फाइन, देखिए यहाँ पर आ गया है, जैसा कि मैंने लिखा आई आर फाइन, मुझे इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी, तो फाइन के तो उसने सिनोनिम्स आपको पास में दे दिए हैं, नाइस, एक्सलेंट, वंडरफुल, आउटस्टैंडिंग, डेलीशियस, ये आप फाइन के जगह यूज़ कर सकते हैं और आर की जगह आपको यूज़ करना है आई, तो ये आ गया है आई एम फाइन। अभी ये आपका सेंटेंस जो है पूरी तरीके से करेक्ट है। तो दोस्तों कुछ भी ऐसे वर्ड्स जो आप लिखते हैं, जो आप यहाँ पर बोलते हैं, अगर वह गलत हैं जो आप टाइप कर रहे हैं तो ये तुरंत ही आपको जो है यहाँ पर लिख के दे देगा। इसके बाद ये स्क्रॉलिंग को फॉलो करता है, जैसे मैं हेलो लिखना चाहता हूँ तो ये मैंने हेलो लिख दिया है, देखिए हम आर लिखना चाहते हैं, मैं जैसे ही इसको यहाँ पर स्लाइड करूँगा तो ये स्लाइड करते ही जो है यहाँ पर आर लिखा हो गया है। आप देयर लिख सकते हैं, देखिए ये देयर लिखा हो गया है, ये इस लिख सकते हैं, इसको हम स्क्रॉलिंग टाइपिंग कहते हैं, काफ़ी अच्छी टाइपिंग है। तो दोस्तों देखा होगा आपने ये काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है ग्रामरली का, किस तरीके से यूज़ किया जाता है, किस किन चीज़ों को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर ये ग्रामरली पसंद आया है तो आप इसको डाउनलोड कीजिए, आज ही इस्तेमाल कीजिए, ये आपको काफ़ी जो है मदद करने वाला है आने वाले समय में। आप देख सकते हैं इंग्लिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमें हर जगह पर पड़ने लगी है, तो आप सभी इसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कुछ और पूछना है, आप कुछ अलग तरीके की वीडियोस चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर आप बता सकते हैं। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।